नमस्कार, मैं आस्थर श्रीवास्तव लोकनाथ से। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ऑटो में सवार होकर राह चलते युवतियों से कुछ ही देर के भीतर लूट की दो सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों सनी बातम और दिनेश बातम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहली घटना शिवपुरी की रहने वाली कृष्णा रावत के साथ हुई थी। वह शुक्रवार को एक प्रतियोगी परीक्षा का पेपर देने के बाद टमटम से सवार होकर LIC तिराहे के पास से गुजर रही थी, तभी ऑटो में सवार होकर आए दो बदमाशों ने उसका रियलमी कंपनी का मोबाइल छीन लिया। कृष्णा रावत इस छीना झपटी में घायल भी हो गई थी। इसी तरह इशिका निविजन नामक युवती से शिंदे की छावनी में इन ऑटो सवार द्वारा युवकों के होटल मिडवे के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसमें भी मोबाइल लूटा गया था। पुलिस ने दोनों ही लूटों का खुलासा कर दिया है और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऑटो को भी जब्त कर लिया है। इसमें एक बदमाश का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया गया है। कल ग्वालियर शहर में दो लूट की घटना हुई थी, मोबाइल लूट की, जो थाना पड़ाव और थाना इंद्रगंज क्षेत्र में हुई थी। इसमें एक ऑटो में बैठे व्यक्ति ने दो लड़कियां जो जा रही थी उनसे मोबाइल छीने थे। इस पर पूरी टीम जो हमारे एडिशनल SP अखिलेश रेनवाल, CSP इंद्रगंज अशोक जादौन, TI धर्मेंद्र कुशवाहा और TI इला टंडन, इनकी टीम इसमें लगे थे। तो ये लगातार जितने फुटेज वगैरह देखे तो इनको आइडेंटिफाई किया गया और आज भी मतलब 24 घंटे के अंदर ही इनको पकड़ लिया है, दोनों लुटेरों को पकड़ लिया है, दोनों मोबाइल जब्त कर लिए हैं। और ये बड़ा अच्छा काम पूरी टीम वर्क से इन्होंने किया, बहुत जल्दी अंजाम दिया है। इनमें से एक व्यक्ति का पुराने का आपराधिक रिकॉर्ड है और ये जो टीम है इसको 10,000 का कुल इनाम इतनी त्वरित कार्रवाई करने के लिए दिया जा रहा है। सर, क्या बैकग्राउंड निकला? अभी तो एक ऑटो ही चलाता है, लेकिन बाकी हम लोग अभी चूंकि आज ही पकड़ा है तो पूछताछ और कर रहे हैं। एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुराना, लेकिन लूट का नहीं है, छोटी मोटी घटनाओं का। इनसे बातचीत कर रहे हैं कि शायद पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं की हों। अभी और बातचीत करेंगे तो पता लेंगे, अभी तो बता रहे हैं कि बस उनको था कि अच्छा मोबाइल मिल जाए और पैसे मिल जाएंगे, ये वो वेरीफाई करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।